वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लेके आया हूँ IISc के M.Tech के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे चल रही है आपकी पोस्ट गेट काउंसलिंग, मैंने स्टार्ट की थी परसों से। मैंने आपको IIT खड़गपुर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, मैं आपको IIT कानपुर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब आज बारी है IISc बेंगलोर की। यदि हम IISc बेंगलोर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है। यदि आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हो, यदि आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हो, और आपको बता दूं यदि आपको अच्छा खासा कोर्स कवर करना है तो IISc काफ़ी अच्छा खासा कोर्स है, IISc काफ़ी अच्छा खासा कॉलेज है। तो IISc जैसे कि आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर टॉप रैंकरों के लिए जाना जाता है। जो लोग गेट में अच्छा खासा रैंक लेके आते हैं उनको ये IISc बेंगलोर मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि इसके पुराने कट ऑफ क्या थे, 2023 के कट ऑफ क्या थे, 2022 के कट ऑफ क्या थे, और 2023-2024 में क्या हो सकता है। ओके, तो चलो ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बट इन्फॉर्मेशन से पहले जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है अतुल कुमार वाशने, M.Tech फ्रॉम IIT KGP। तो आप लोगों को यदि M.Tech करना है अच्छी जगह से, टॉप 7 IIT या फिर IISc बेंगलोर से, तो आपके लिए ये पोस्ट गेट काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये कहना है आप लोग एक काउंसलिंग देखिए, मैं रियली बता रहा हूँ, काफी काफी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसका हाई गेट स्कोर, तो छोड़ो हाई गेट स्कोर वाले बच्चों को मिल ही जाएगा, जिसका लो गेट स्कोर भी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं, ताकि उनको भी अच्छा खासा IIT मिल जाए। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं IISc बेंगलोर के रिगार्डिंग। तो IISc बेंगलोर की यदि हम बात करते हैं तो IISc बेंगलोर काफी अच्छा खासा कैंपस है। सबसे पहले हम देखो, मैं खाली दो ही ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट, मेरी बात सुनिएगा, मैं दो ब्रांच के लिए बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स और एक EC वाले स्टूडेंट्स और एक IN वाले स्टूडेंट्स। तो यदि मेरे से पूछोगे सर कौन कौन सी ब्रांच के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, मैं तीन ब्रांचों के लिए इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। जो जो बच्चे M.Tech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं मैं तीन ब्रांच में डील करता हूं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि IISc बेंगलोर में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं IISc बेंगलोर में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आइए एक मिनट के लिए देखिए बच्चों, मैंने IISc का पेज ओपन कर रखा है M.Tech कोर्सेज का। तो यदि हम बात करें M.Tech प्रोग्राम की, तो माय फ्रेंड M.Tech प्रोग्राम आपके सामने मैंने ओपन कर रखे हैं IISc बेंगलोर के। और यदि हम IISc बेंगलोर की बात करें, सबसे पहला जो प्रोग्राम है, अभी इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टार्ट कर दिया है। तो यदि किसी बच्चे का मन है कि सर मैं AI में जाना चाहता हूँ, तो आप लोग AI में भी जा सकते हो। यदि किसी बच्चे का मन है कि आपको AI में जाना है, AI में भी जा सकते हो। इंटरव्यू होगा, 35 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन गेट के कौन कौन से पेपर एलिजिबल हैं पहले थोड़ा सुन लीजिए। आपके गेट के देखिए, यहाँ पर देखिए आपका कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन विद रिक्वायर्ड गेट पेपर BE, BTech और इक्विवेलेंट, MSc भी चलेगा, 4 ईयर BS भी चलेगा, BS रिसर्च भी चलेगा, ये सारी चीज, मैथ भी चलेगा। लेकिन आपके जो गेट के पेपर हैं, कौन कौन से गेट के पेपर एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस, DA एक नया पेपर लॉन्च करा है गेट ने, नाउ नेक्स्ट EC और इलेक्ट्रिकल, ये बच्चे एलिजिबल हैं इस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए। सर क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं, सलेक्शन जो होता है, सलेक्शन दो प्रोसेस होते हैं, मतलब दो प्रोसेस इन द सेंस, 70% आपका गेट स्कोर होगा, 30% आपका रिटन टेस्ट होगा। आपको कौन कौन से एरिया चाहिए स्टडी के लिए, ये जो एरिया ऑफ स्टडी होगा, DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एसेट्रा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो AI है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों का एकदम एम रहता है कि सर मैं AI में जाना चाहता हूँ, ठीक है आप AI ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का एम है कि सर आप मेरे को खाली वही ब्रांच बताओ जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए, एक आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन EC ब्रांच। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये एक ब्रांच है, मैं आपको बता दूं इसमें M.Tech होती है। यस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC में M.Tech होती है। यदि हम बात करें सर, यदि हम बात करें कि इसमें सीट कितनी है, इसमें सीट है 22। एंड नाउ यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन दो पेपर इन लोगों ने अलाउड कर रखे हैं, एक EC का पेपर अलाउड कर रखा है और EE का पेपर अलाउड कर रखा है। सर क्या होगा, इंटरव्यू होगा क्या? यस,
आपका सिलेक्शन प्रोसेस 70% गेट स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू। आपको आईएससी बेंगलोर में इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू कंपलसरी है यहाँ पर। तो चलो ठीक है सर, आपने ईसी का बता दिया इन्फॉर्मेशन, ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? यस, और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काफी अच्छी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग काफी अच्छी खासी ब्रांच है। यदि हम इस ब्रांच की बात करेंगे तो इस ब्रांच में आपका इन्फॉर्मेशन देखिए, इस ब्रांच में आपकी 26 सीट है। यहाँ पर कौन कौन से गेट के पेपर एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है चार पेपर एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस और आईएन। यदि आपका गेट का स्कोर अच्छा खासा है इलेक्ट्रिकल में या फिर ईसी में, सीएस में, आईएन में, तो आप एलिजिबल है इस ब्रांच के लिए, ईएससी ब्रांच के लिए। इसमें भी आपका 30% इंटरव्यू और 70% गेट स्कोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल ई की, नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल ई की। डबल ई आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईई को मैं ओपन करता हूं। यदि मैं डबल ई की बात करता हूं बच्चों, तो डबल ई में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो आपको जानने वाली बात यह है कि यहां पर जो सिलेक्शन होने वाला है उसमें आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है प्लस इंटरव्यू प्रोसेस होती है। यहां पर सीट आपकी 30 है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर गेट के दो पेपर एलिजिबल हैं, एक है डबल ई का पेपर और एक है डीए का पेपर। तो यहां पर आपका 70% गेट स्कोर और जो 30% का जो है वो है आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पर देखो अपने ना, जो बच्चे एम टेक करना चाहते हो कि समझिए ये एम टेक करना है, यहाँ पे देख लेना एरिया ऑफ स्टडी कौन कौन से एरिया, मतलब जो आपकी कमांड हो ना उसी एमटेक में जाना। अभी मैं एक दो ब्रांच और बताऊंगा, देखिएगा बच्चों। ईपीडी इस ब्रांच को मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये काफी अच्छी ब्रांच है। मैं आपको बता दूं, इसमें स्टार्टअप, जो बच्चे स्टार्टअप की समझे, स्टार्टअप बनाना है मतलब मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है या फिर मुझे कुछ, तो यहाँ पर आपकी फंडिंग भी होती है। ये जो ईपीडी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में बच्चों के ऊपर फंडिंग भी होती है। यदि वो स्टार्टअप चलाना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए फंडिंग भी होती है, इसलिए बता रहा हूँ ये ईपीडी ब्रांच बहुत अच्छा है। यदि हम ईपीडी ब्रांच की बात करेंगे तो ये इसका जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। देखो पहले बोल रहा हूँ खाली 11 सीट है, पहले बोल रहा हूँ यहाँ फंडिंग भी होती है, यहाँ पे फंडिंग भी होती है। यदि आपके पास प्लान है कि सर मैं ये प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा, बहुत अच्छा प्लान है, तो आपकी फंडिंग भी हो जाएगी। आपको यहाँ पर बीटेक सारी ब्रांच लिखी हुई है, लेकिन गेट के कौन कौन से पेपर एलिजिबल है, गेट का ईसी, डबल ई, आईएन, एमई एलिजिबल है। एरिया ऑफ स्टडी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा कोर्स है ये, और आज इसमें भी आपका इंटरव्यू होगा बच्चों। एंड उसके साथ साथ कुछ और भी है क्या? यस। अब क्या होता है, ईसी और डबल ई वाले बच्चे काफी मजे करते हैं, क्यों? उनके लिए बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन आईएन वाले स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। क्यों भाई? क्योंकि आईएन वाले बच्चों के पास सीट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो यदि हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की, तो यहां पर एक ब्रांच है आईएन वालों के लिए स्पेशली, दैट इज द नेम इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको, इस डिपार्टमेंट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, यहाँ पर खाली 10 सीट है। बीटेक, अब देखो यहाँ पर सारे पेपर एलिजिबल है। देखो अब ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो जाता है बच्चों के साथ कि सर एक चीज सुनना कि गेट का पेपर एई, बीएम, सीएच, सीएस, ई, ईसी, एमई, एमटी, आईएन, पीएच, पी, ये सब एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन, जो आपकी डिग्री है वो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होनी चाहिए। जो आपकी डिग्री है, गेट का पेपर ठीक है, लेकिन साथ में आपके पास डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए। इसमें भी 70% गेट स्कोर, 30% इंटरव्यू होता है। और सर इतना तो आपने बता दिया, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा वीएलएसआई की साइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, जो कि बच्चों का एक एम होता है, जो ईसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका एम होता है यहाँ पर जाना। तो यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करेंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल बता दूं, ये आपका दो डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर आता है। यहाँ पर आपकी 27 सीट है।
यहां पर गेट के कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, गेट के पेपर कौन कौन से, डबल ई, ईसी, सीएस और आईएन। और यहां पर भी 30% इंटरव्यू, ये सारा एरिया ऑफ स्टडी है, देख लेना एरिया ऑफ स्टडी के बारे में। तो सर इतना सारा आपने बता दिया, एक ब्रांच और है सिग्नल प्रोसेसिंग और एक ब्रांच और है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो आईएससी में आपके पास, आईएससी में आपके पास काफी वाइड ब्रांचेस हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ये खाली 8 बंदों को लेते हैं। यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी दे रखी है ईसी, ईई, आईएन, एमई, एमटी, ये सब दे रखी है, लेकिन आपका डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में होना चाहिए। ओके, तो सर इतना तो आपने बता दिया, ठीक है। तो मतलब देखो देखो एक चीज बता दूं आपको, या तो आपके पास डिग्री हो बीटेक की, गेट का पेपर ये चलेगा, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स की डिग्री है तो आपको ईसी और पीएच का पेपर चलेगा। एलिजिबिलिटी साफ लिखा हुआ, आप देख लेना एक बार। यहां पर 70% गेट स्कोर और 30% इंटरव्यू, वही होगा। और लास्ट में आ जाता हूं मैं आपके पास, दैट इज सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में आपकी 20 सीट है, इसमें भी आपका 30% इंटरव्यू, 70% गेट स्कोर, ठीक है, और DAEEC ब्रांच एलिजिबल है। तो देखो जितना भी मैंने आपको बताया, दैट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको एक बात मोटा मोटा पता लग गया कि इंटरव्यू तो होना ही है। यदि आपको आईएएससी में सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू होगा ही, ठीक है सर। आईएएससी में आपने बोला कि इंटरव्यू होगा ही, यस। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहां पे आ जाओ गाइस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 2022 में एक चीज दिखाऊंगा आपको, फिर आप मेरे को बोलोगे कि हाँ मैं सीधे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चलता हूँ। देखो पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, देखना एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। मैंने आपको बोला था काफी अच्छी खासी ब्रांच है। गेट 2022, गेट 2022 मतलब एमटेक 2022 में के जो एडमिशन थे, यहां पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 800, ईसी का 800, डबल ई का 800 और आईएन का 650। तो सर यदि आप ये कट ऑफ देखो, 800 800 800, दिस इज वेरी हाई कट ऑफ। मैं आपको बता दूं आईएससी के कट ऑफ बहुत हाई होते हैं, 2022 में आईएससी कट ऑफ बहुत हाई थे। यदि हम वीएलएसआई की बात करेंगे गेट, तो यदि आप ईसी ब्रांच, यदि आप सीएस ब्रांच के हो तो आपका 950, यदि आप ईसी ब्रांच के हो 750, यदि आप डबल ई ब्रांच के हो तो 950, यदि आप आईएन ब्रांच के हो तो 950। क्योंकि वीएलएसआई में अधिकतर बच्चा ईसी का जाता है, इसलिए ईसी का कट ऑफ 750 रखा गया है और अदर ब्रांच के कट ऑफ बहुत हाई रखे गए ताकि वे एडमिशन ना ले पाए। ओके नाउ, उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग की, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग की। यहां पर ये ब्रांच देख सकते हो आप लोग, बट इस ब्रांच ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, इसकी बट मैंने बात नहीं की थी आप लोगों से। नाउ वी टॉक अबाउट सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में यदि आप ईसी ब्रांच के हो तो 670 स्कोर, 670 आपका कट ऑफ गया था, एंड नाउ नेक्स्ट डबल ई में कट ऑफ था 670 और आईएन में था 950। मैं बता दूं ये क्या कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपके इंटरव्यू वाले कट ऑफ है बच्चों, मतलब इन बच्चों को कॉल करा गया था इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ऊपर वाले बच्चे सबका, सारा बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ऊपर वाले नहीं, इंटरव्यू भी एक फैक्टर होता है आईएससी में। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी बच्चे को यदि इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है तो मेरी गाइडेंस लेके जाना, मैथ्स जरूर पढ़ के जाना, इंजीनियरिंग मैथ्स जरूर पढ़ के जाना। आईएससी वाले प्रोफेसर इंजीनियरिंग मैथ्स जरूर पूछते हैं, ओके, उनका एक फेवरेट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है। तो सर ठीक है, आपने सिग्नल प्रोसेसिंग का बता दिया, अब हम बात करेंगे डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ईसी का कट ऑफ गया था 600, डबल ई का कट ऑफ गया था 550, आईएन का कट ऑफ गया था 600। सर ऐसा क्यों इलेक्ट्रिकल में, मैं आपको बता दूं क्या था। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में रिटन टेस्ट होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में होता है रिटन टेस्ट, और जब रिटन टेस्ट होता है तो क्या होता है, फिल्टर हो जाते हैं पहले ही बच्चे। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है बुला लिए, लेकिन इन लोगों ने रिटन टेस्ट से सारे बच्चे फिल्टर कर दिए और फिर उनके बाद उनका इंटरव्यू लिया। तो कट ऑफ आपको लग रहा है सर कट ऑफ बहुत कम है, तो बच्चों को चांस तो देना है उनको, उन्होंने बच्चों को चांस दिया, लेकिन उन लोगों ने रिटन टेस्ट भी लिया फिर इंटरव्यू भी लिया, ठीक है। और एआई की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएस में गया था 815 कट ऑफ, क्योंकि सीएस वाले बच्चे फाड़ते हैं आपको पता है कोडिंग में,
और ईसी में कट ऑफ 604, डबल ई में 696। तो माय फ्रेंड एक ब्रांच और ब्रांच भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर और ब्रांच कोई आपसे रिलेटेड, तो हाँ आपसे रिलेटेड एक ब्रांच और बची है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करूं तो ईसी के कट ऑफ गए थे 600। सर ये इंटरव्यू के कॉल के लेटर है, इंटरव्यू मतलब 600 से ऊपर वाले बच्चे को कॉल गया था। ये हमारे 2022 के कट ऑफ थे। 2023 में क्या सिनेरियो था? 2023 में सिनेरियो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा 2023 का घुमाते हैं पेज और थोड़ा आपको दिखाते हैं। 2023 का भी देखिए बच्चों, थोड़ा आपको जरूरी है। 2023 में इन लोगों ने काफी बच्चों को कॉल किया। 2023 में इन लोगों ने इंटरव्यू के लिए काफी बच्चों को कॉल किया। यदि मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में इन लोगों ने ईसी चाहे सीएस हो चाहे डबल ई हो चाहे आई एन हो 625 कट ऑफ रखा, 625 गेट स्कोर जिसका है उन सबको कॉल किया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए। आप आइए इंटरव्यू दीजिए, यदि आप अच्छे होंगे तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में गेट के ये सारे पेपर कोड है, सी एस ईसी डबल ई आई एन इन सबका हुआ था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो डबल ई में इन लोगों ने कट ऑफ रखा था 600। मैं पहले बोल रहा हूँ 600 का मतलब ये नहीं है कि 600 से ऊपर सारे वाले सेलेक्ट हो गए, ये इंटरव्यू का कट ऑफ है। इस कट ऑफ पर आपका इंटरव्यू लेटर बच्चों के घर गया था और फिर उनका इंटरव्यू के लिए वो बच्चे बेंगलोर गए होंगे और इंटरव्यू दिया होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मैकेनिकल छोड़ो, वीएलएसआई की बात करते हैं। सर वीएलएसआई में ईसी का कट ऑफ रखा था 670, मतलब 670 से ऊपर जिसका गेट स्कोर था उसको कॉल गया होगा। किसका? उसको कॉल गया होगा इंटरव्यू के लिए, फिर उसने इंटरव्यू दिया होगा। यदि इंटरव्यू अच्छा गया होगा सेलेक्ट हो गया होगा। सिग्नल प्रोसेसिंग में ईसी का कट ऑफ 650, डबल ई का 650। करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं ये आगे के जो कट ऑफ है वो हमारे एस सी एस टी ओबीसी और ओबी और आपका नॉन ये जो है ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट और आगे बढ़िए। यस मैं इसकी बात कर रहा था आप लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। तो यहां पर ईसी का कट ऑफ था 620 और डबल ई का कट ऑफ था 700। नाउ मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का जो गेट में हम लोग आईएन को देखेंगे बस। आईएन चलो 300 कट ऑफ रखा इन लोगों ने, चलो थैंक गॉड काफी कम कट ऑफ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब हम बात करते हैं 2024 में क्या हो सकता है। सर ईपीडी और देख लो बच्चों, ईपीडी और देख लो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन में जो ईसी में कट ऑफ था वो 625 और डबल ई में कट ऑफ था 625, आईएन में भी 625, एमई में 625। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप मेरे को बताओ कि 2024 में कट ऑफ कितने जा सकते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर आ जाएंगे और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आप सबसे पहले 2023 का कट ऑफ देखिए। यदि मैं सबसे पहले 2023 का कट ऑफ देखता हूं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो 2023 का जो कट ऑफ था वो था 625, चाहे कोई सी ब्रांच हो। तो हम लोग ये समझते हैं कि 2024 में भी ये कट ऑफ लो ही जाने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इंटरव्यू होगा। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू इस बार 610 के आसपास कॉल आ जाएगा। यदि आपका गेट स्कोर 610 है तो आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ब्रांच से। ओके, क्योंकि ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, यस ये लोग काफी इंटरव्यू लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बाद यदि हम बात करें ब्रांच की, द नेम इज वॉट वीएलएसआई, सॉरी पहले वीएलएसआई नहीं, पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो यदि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं जो आपकी एमटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बच्चों, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि आप कट ऑफ को देखते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, 600 कट ऑफ है। कितना? 600 कट ऑफ है। ये कट ऑफ किसके लिए था? यस ये आपका इंटरव्यू के लिए था।
ये इसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको बता दूं 600 प्लस जो कट ऑफ है, मेरे हिसाब से इस बार भी इसी के आसपास जाएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, तो -+10 का वेरिएशन हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा 600 +-10 देखने को मिल सकता है। नाउ दूसरी बात हम बात करेंगे आपकी, नेक्स्ट एआई की बात नहीं कर रहा मैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई की। यदि हम वीएलएसआई की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 2023 के जो कट ऑफ थे वो थे आप लोगों के 670 ईसी ब्रांच, और अदर ब्रांच को मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। 950, 950, 980 एक का दुक्का टॉपर ही होते हैं बस। ईसी ब्रांच वाले बच्चों, ईसी वाले बच्चों 670 था लास्ट ईयर, क्योंकि इस बार हमको लग रहा है कि गेट में कम बच्चे बैठेंगे ईसी में, मतलब गेट में कम बच्चे बैठे होंगे ईसी में, रिजल्ट आपका आने भी वाला है। तो मैं समझता हूँ ये आपका 650 के नियर बाई रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो इस बार 650 इसका गेट स्कोर होगा, उसको कॉल आ जाएगा वीएलएसआई से। नाउ वी टॉक अबाउट द सिग्नल प्रोसेसिंग, 650 दे रखा है। तो यदि मैं बात करूंगा सिग्नल प्रोसेसिंग का, तो सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको चाहे ईसी हो चाहे डबल ई हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था कॉल लेटर का वो 650 गया था, तो हम लोग यहां समझते हैं कि 630-635 के नियर बाई आपका कट ऑफ जा सकता है, 635 के नियर बाई आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से। नाउ थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं, हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहां पर ईसी वाले को कट ऑफ दिया 620, डबल ई को दिया 700, ठीक है। जो ईसी वाला है, मैं आपको बता दूं तो यहां पर आपको ईसी के लिए डबल ई के लिए, तो यहां पर आपके लिए जो गया था 620 चार 700, यह था 620 और यहां पे आपका 700। तो ये जो आपका ईसी का था वो 620 और डबल ई का 700। तो मैं आई डियर स्टूडेंट में ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो रह सकता है ये करीब करीब आपका 600 के नियर बाई जाएगा इस बार ईसी का, और जो डबल ई वाले हैं ये ज्यादा जाते नहीं है इस ब्रांच में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इस बार 670 तक जाने का पूरा पूरा चांस रहेगा, ओके। तो ये आपका ईसी का हो गया। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में बोलना कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज काफी कम कट ऑफ है, और क्वांटम के बारे में हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, यस। तो यहां पर इन लोगों ने कट ऑफ रखा था 625, चूंकि इसमें सीट भी कम है, तो मैं ईपीडी की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, यहां पर आपको कॉल आने के चांसेस हैं, 620 के नियर बाय ही कॉल आएगा इस बार भी। तो ये मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारे कट ऑफ आपको बता दिए हैं, तो इन कट ऑफ को अपने दिमाग में रखिए। देखो मैंने खाली आइडिया आपको दिया है कि इसके आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी ईसी में 620 पर कॉल आ गया था, तो यहां पर भी आपको सेमीकंडक्टर में भी 600 करीब पर कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो सर इतना सारा आप लोगों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये हमारे 2024 के, मतलब ये है कि इस गेट स्कोर पर आपको इंटरव्यू लेटर आ जाएगा, इस स्कोर पर आपको इंटरव्यू लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था थ्रू दिस लेक्चर। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो माय फ्रेंड, ये जो मेरी वीडियो है उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, ठीक है। अभी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, सारी IITs के लेके आ रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको सारा आइडिया रहे, आप डेली बेसिस पे बने रहो क्लास में, ठीक है। और जितना हो सके क्लास को लाइक करके जाया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास, आगे आऊंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए। थैंक यू गाइस।